मिसा रहीकुमारी अली आप देख रहे मेरा चैनल अपनी बरहना वीडियो वायरल होने पर कोई भी शर्मिंदगी कोई भी नदामत नहीं है अलीजा सहर जो कि एक मशहूर टिकटॉकर है उन्होंने लाइव आकर एतराफ़ कर दिया पांच घंटे बैठकर लाइव वो कौन सी खिचड़ी बनाती रही ये मेरे ही घर में बनाई गई वीडियो है गलत बंदे के साथ जो है मेरे मनासिब निकले गलत बंदे के सामने मैंने जो है ये वीडियो बनवा ली मुझे पता था कि वो वीडियो बना रहा है लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि वो इसको वायरल कर देगा दो साल पहले अलीजा शहर को आखिर किस मजबूरी के, के तहत किस द्रावे के तहत किस धमकी के तहत जो है वो ऐसी वीडियो बनानी पड़ी किसके साथ वो इन्वॉल्व थी कौन था वो शख्स अभी तक क्या उसके खिलाफ कोई पर्चा नहीं कटवाया गया क्या इनको पता था कि वो बंदा ये वीडियो वायरल कर देगा उस बंदे के साथ अभी क्या ये कनेक्शन में है अलीज़ा शहर से जी गलती हो गई है हरीम शाह भी इस वक्त मैदान में, में आ गई हैं और सामने आकर उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को ठरकी मर्दों को ठरकी और कह दिया है कि जी किस तरह के ये मर्द हैं कि इसकी तशहर कर रहे हैं वीडियो लीक नहीं हुई बल्कि जानबूझ कर इस वीडियो को जो है वो वायरल करवाया गया है लीक करवाया गया है मशहूर सहाफ़ी के चौंका देने वाले इनकशाफ़ात उनकी रिसर्च उनके सोर्सेस आज की इस वीडियो में रखेंगे और आपको बताएँगे कि किस तरह से जी ज़माना है क्या कुछ होता है कब तक औरत कार्ड खेला जाएगा क्या सच में उनके साथ जुल्म हुआ या इसके पीछे भी एक लंबी दास्तान है वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप लोग कहते हैं कि वीडियोस आपको मिलती नहीं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे जी अलीज़ा सहर जो एक मशहूर टिकटॉकर हैं उसके बाद वो यूट्यूब पर भी आई फेसबुक हर जगह मतलब जितने भी इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जी ना सिर्फ वो बल्कि उनके घर वाले भी व्लॉगिंग कर रहे हैं उनकी जो है वीडियोज़ बनाने वाले उनके भाई हैं और बड़ा अच्छा उनका सेटअप चल रहा था बड़े इंटरव्यूज़ वगैरह दिए जा रहे थे अब जी उनकी वीडियो लीक होने के बाद जो है मुझे अगर मैं अपनी बात करूं तो करीना कपूर खान की फिल्म जो है वो याद आ गई आपने देखी होगी आपको पता होगा थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप उसको इस सारे वाक्य के साथ एक तरफ जी नाजेबा वीडियो बल्कि बरना किस्म की वीडियो और वो बरहना वीडियो देखें बनाने वाली वो खुद हैं वो जानती थी कि वो जिससे बात कर रही हैं वो इसको रिकॉर्ड भी कर रहा होगा या कर सकता है तो वो अपने आप को खुद ही बरना कर रही हैं तो यही मैं समझाती हूँ औरतों को लड़कियों को कि अपनी इज्जतों का खुद जो है सौदा ना करें नीलामी ना करें आप जब अपनी इज्जत की पासदारी नहीं करेंगे आप अपने आप को किसी के सामने नंगा करेंगे तो आपको लगता है कि वो इंसान दुनिया के सामने आपको नंगा नहीं करेगा अगर इसका जवाब आपके पास है तो ज़रूर दीजिएगा कि आप जो है किसी पर अपने से ज़्यादा एतबार कर रहे हैं एक तरफ नासेबा वीडियो जो है वो वायरल होने के बाद अलीज़ा शहर की ख़ुदकुशी की ख़बरें मंजरियाम पर आती हैं फैलाने वाला कौन होता है उनके फ़ैमिली मेबर होते हैं वो ट्वीट करते हैं कहीं बताया जा रहा था कि जी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं बड़ी तबीयत ख़राब है सीरियस हैं कमरे में बंद कर लिया है अपने आप को टॉर्चर कर रही हैं रो रही हैं फैमिली वाले जो हैं उनका रो रो के बुरा हाल है तीन दिन से घर वाले जो है वो बाहर नहीं निकले यूट्यूब पर उनकी आखिरी वीडियो आ जाती है अच्छा जी सब लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार एक तरफ इतना रोना धोना मचा हुआ है कि किसी की इस तरह की वीडियो आ जाती है और ये देखें किसी रूम में बनाई हुई वीडियो नहीं है अगर रूम में बनाई हुई वीडियो हो ना तो बंदा कह देता है कि जी चलें किसी ने जो है वो गलती कर दी झूठ बोल दिया ये ख़ुद से अब वो अपने आप को बरना कर रही हैं तो ये पता चलता है कि ये एक जेनविन वीडियो है औरिजिनल वीडियो है दूसरी तरफ जी पता चलता है कि माशा अलीज़ा सहर जो है वो टिकटॉक पर लाइव बैठ जाती हैं वो लाइव आके पाँच छः घंटे जो हैं वो बैठी हुई हैं पाकिस्तान में टिकट जो है वो ये जो है लाइव इस पे बैन है लेकिन जब मैंने देखा तो पाँच छः घंटे वो बैठी रही और बड़े सुकून से बैठी हुई थी पांच से छः घंटे मुसलसल लाइव बैठ वो मैच खेल रही थी स्ट्रीक के रिकॉर्ड्स बना रही थी रोना तो दूर की बात तो उनके चेहरे को देखकर ज़रा सी नदामत ज़रा सी शर्मिंदगी बल्कि कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि रिग्रेट हो कि मुझसे ग़लती हो गई वो बहुत जल्द आके जो है लाइफ में पाँच छः घंटे बैठी रही हैं और आराम से सुकून से जो है उन्होंने दो तीन बंदे अपने साथ रखे हुए थे वो उनके लिए जो है वो जंग लड़ रहे थे देखें अखलाकान ये गलत चीज़ है अखलाकान ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप पर कोई एतबार कर रहा है और आप उसके अतबार को तोड़ रहे हैं लेकिन क्या करें ये दुनिया है चलता है सब कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे सगा भाई जो है वो सगे भाई की बेटी के साथ रेप कर देता है मामू अपनी बहन की बेटी के साथ रेप कर देता है जिस माशरे में हम रह रहे हैं जो माशरे जितना आगे जा चुका है तो वहाँ पर तो भाई कोई भी चीज़ जो है वो आप एतबार की नहीं है बड़ा गलत है जिसने ये किया लेकिन आप ये कह दें कि सिर्फ उस आदमी की गलती है हम मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ चाहे वो डिलीवरी बॉय रईस का केस हो या इस टिकटॉकर का केस हो लड़की छः कदम आगे बढ़ाती है तो एक कदम लड़का आगे बढ़ाकर उसकी इतनी ज़रूरत होती है अब हम देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान माशाला से जो है पॉन वीडियोज़ देखने में नंबर वन जो है वो मुल्क जाना जाता है तो आप देखें कि वो अपने आप को खुद भरना करी अगर कोई औरत अपने आप को खुद भरना करेगी तो आप क्या आपको क्या लगता है कि वो मर्द उसको दुनिया के सामने जो है वो गलाजत नहीं फैलाएगा मतलब नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा यार यही दुनिया है अब लोग समझ रहे थे कि बेचारी के साथ जी बड़ा गलत हुआ जो कि हुआ गलत लेकिन वो पाँच घंटे मुसलसल जो है वो बैठी रही हैं लाइव और आराम से गेम्स खेलती रही हैं न नाम की कोई चीज़ उनके चेहरे पर नहीं थी बल्कि पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे थे उनके जो है फॉलोअर्स इस हद तक तेज़ी से बढ़े हैं टिकट पर भी यूट्यूब पर भी और वो बड़े सुकून से बैठ के जो है टिकट लाइफ में पाँच से छः घंटे बैठी रही हैं अच्छा जी इसके साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक पर नई वीडियोज़ भी डाली जा रही हैं लोग ज़्यादा देख रहे हैं लोग ज़्यादा रीच कर रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स पाकिस्तान के जो है ये खबरें फैला रहे हैं ये खबर झूठी नहीं थी यह ख़बर इन्हीं की फैमिली की जानब से फैलाई गई कि उसने खुदकुशी कर ली उसकी हालत सीरियस है अब ये सारी गेम्स क्या हैं समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए एकदम जज्बाती ना हो जाए करें मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि पाकिस्तान में जज्बाती जो है ना हम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं आमना जो लूमड़ी है डिलीवरी बॉय केस में उसके लिए भी जज्बाती हो कि वो बेचारी जो है उसके घर में एक बंदा घुसेगा तो उसको उसको जो है ना तो कतल करेगा उसका मियाँ भाई छः महीने से उसका चक्कर था तो पहले चीज़ों को ना इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं फिर एकदम रिएक्शन देते हैं अलीजा सहर खुद तो खामोश थी लाइव में लेकिन जी उनके साथ दो तीन जो भी आदमी आ रहे थे उनको सपोर्ट में फुल जो है सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये दो साल पुरानी वीडियो है अलीजा से गलती हो गई इस बंदे के खिलाफ हमने कंप्लेंट कर दिया अच्छा अलीजा सबका का शुक्रिया अदा करती जा रही थी पाँच घंटे वो लाइव बैठी रहीं और आ, आ, किसी को उन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली ये वीडियो कैसे बनी क्यों बनी लीक क्यों हुई किसने की और वो करीबी कौन था जिसके जो है जिसकी ख्वाहिश पे वो सब कुछ कर रही थी अपने आप को बरना कर रही थी और उसने जो है वो फिर ये वीडियो वायरल की वो इस हवाले से बिल्कुल चुपते हैं इस मौके पर जी मारूफ़ सहााफ़ी जमील फ़ारूक़ी साहब का एक दावा जो है वो सामने आया है बड़े हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं बड़े चैनल्स के साथ वस्ता है तो जमील फ़ारूकी साहब ने दावा किया है कि उनके सोर्सेज़ जो कि अलीजा साहर की फ़ैमिली और करीबी टिक टॉकर्स हैं उन सब के मुताबिक अलीज़ा की ये वीडियो लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो ख़ुद ही हैं और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फेम हासिल करना है मज़ीद फॉलोअर्स को हासिल करना है मज़ीद अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना है अच्छा जी दो तीन साल पुरानी वो कहते हैं ये वीडियो है और इस वक्त लीक करने की ये वीडियो क्या ज़रूरत थी लीक क्वीन हरीम शाह भी मैदान में आ जाती हैं और वो आकर जो है अलीजा की हिमायत करती हुई नजर आई है उन्होंने गैर इखलाकी वीडियो शेयर कर रहे हैं अगर किसी ने गलती कर दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर जगह उसकी तशहर करें क्या कहने हैं आपके भी अलीजा शहर को एक मासूम और भोली भाली लड़की बनाकर जो है वो पेश किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि सारा कसूर उस आदमी का है जिसने ये वीडियो जो है वो वायरल की है लेकिन इस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम खीन अखलाक की पस्ती से नीचे नहीं गिर रहे क्या आमना का केस हो या इस खातून टिकटॉक का केस हो क्या हम मर्द को आगे बढ़कर जो है वो अपनी तरफ रागब नहीं कर रहे क्या हम मर्द को ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ जो है वो ग़लत करें दोनों केसेस में आप देख लें कि मर्दों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक औरत जो है उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है वो मर्द जो है कोई गन पॉइंट

और वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत भी हैं अलीज़ा इस वक्त जो है वो मासूम बनाकर बेचारी बनाकर उसको पेश किया जा रहा है कि वो बेचारी वीडियो कॉल पर कपड़े उतार रही थी और उसकी वीडियो जो है उस बेचारी ने बड़ा अच्छा काम किया कपड़े उतारते हुए और जो है ना उसकी वीडियो जो है बन गई तो वीडियो बनाने वाला जो है गलत है पाकिस्तान में जी इसकी सज़ा है आठ से दस साल अगर ये प्रॉपर रिपोर्ट करते हैं तो उस शख़्स को आठ से दस साल जो है सज़ा हो जाएगी जिसने ये किया लेकिन हमारी औरतों को क्या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो खुद किस तरह आगे बढ़ रही हैं अपने आपको हम नंगा कर रहे हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि कोई गैर मर्द हमारी इज्जत का बने का ऐसा नहीं होता यही अलीजा सह जी पंजाब की तहसील हासिलपुर के एक गांव में बैठकर टिकटॉक पर लाइव आना जानती हैं तो वो अपनी मर्जी से कपड़े उतारने से पहले नत्ज भी जानती थी कि इसके क्या नतज होंगे थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इनकी वीडियोस जो हैं जो ये वीडियोस व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं वो थोड़ी जूम आईनी किस्म के होते हैं वो कुछ अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हुए वीडियोस बनाना इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं हमारे ठरकी मर्दों में तो जब आप ठर्कियों को इस तरह की चीज़ें दिखाएँगे और उसके बाद ये भी दिखाएँगे और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करके पता चलेगा कि भाई आप ही ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर बड़ा अफसोस होगा उन लड़कियों के लिए मुझे बड़ा दुख होता है जिनके लिए जेनली ये सारे मामला होते हैं फिर उनकी कोई नहीं सुनता तो ठीक है जी फ़ेम हासिल करें हर इंसान को हक़ है फ़ेम हासिल करने का लेकिन खुदा रहा ऐसा ना करें अगर आपने ऐसा किया है तो ये गलत है अगर आपके साथ ऐसा गलत हुआ है तो आपको एफ़ आई ए जाना चाहिए इस शख़्स को आठ से दस साल सज़ा जो है वो होगी लेकिन सहाफ़ी हज़रा तो कुछ और ही एक्सपोज कर रहे हैं कुछ और ही उनके पास हकीकतें हैं अल्लाह जी बेहतर करे, हम तो अखलाकियात से गिर चुके हैं पस्ती का शिकार हैं और बस गलत को ही जो है वो समझते हैं कि गलत तरीके से ही हमने मंजिलों को हासिल करना है हालांकि एक बात अल्लाह ताला ने कह दी है इज़्ज़त और सल्लत-अल्लाह के हाथ